हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से माफी मांगना चाहूंगा, किस लिए? क्योंकि काफी टाइम से वीडियो नहीं आ पा रही थी और मैंने यहाँ पर जब वीडियो बनाई थी मैंने ऑलरेडी बोल दिया था आई वुड बी बिजी फॉर सम डेज, मतलब ये पूरा महीना मेरा लगभग बिजी ही रहेगा, बट स्टिल आई विल गेट टाइम और जब भी मुझे टाइम मिलेगा आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। ओके, और बहुत सारे वीडियोज हमने यहाँ पर बनाए हैं और बनाया है तो वहाँ पर बहुत सारे पैसे बनते हुए भी नजर आए हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ निफ्टी व्यू से रिलेटेड। यहाँ पर अगर हम देखें निफ्टी आज के दिन में गिरती हुई नजर आई, अगेन पैनिक सा यहाँ पर लोगों को होता हुआ नजर आ रहा है। और हम जानेंगे बहुत आज एक स्विंग ट्रेड के बारे में, एक ऐसा स्टॉक्स जहाँ पर आपको स्विंग ट्रेड में एक अच्छा खासे पैसे बनते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो करिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को हिट कर लीजिए और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास वीडियो मिले और जाके वीडियोस देखिए, प्लेलिस्ट को गो थ्रू करें और जितना हो सके हमें सपोर्ट करने की कोशिश करें। और ये पर्टिकुलर नंबर है, अगर आप हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना चाहते हैं नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, बेहतरीन यहाँ पर कॉल्स दी जाएंगी और अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। और उसके लिए प्रूफ ये है कि हमने यहाँ पर आपको एक कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक स्टॉक्स दिया था टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, यहाँ पर अगर हम देखें तो अच्छा खासा यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के दिन में ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया, बट वहीं पर ही सपोर्ट लिया। और यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर ये पर्टिकुलर लेवल जो निकालता है, अगर इसने ये पर्टिकुलर लेवल आज का निकाला तो यहाँ पर एक रैली होगी 70 रुपए तक, और 70 का लेवल निकाला तो याद रखिए एक अच्छा खासा यहाँ पर रैली होगी जो आपके यहाँ पर पैसे बनाती हुई नजर आएगी। इसके अलावा एक स्टॉक्स आज से 1.5 महीने पहले आपको जब ये 38 रुपए पे यहाँ पर चल रहा था, ओके 38 रुपए पे यहाँ पर जब ये चल रहा था मैंने आपको बताया था, और आज ये 220 रुपए का आपका पैसा मोर देन फाइव टाइम्स यहाँ पर बना चुका है। तो यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बना है जिन्होंने भी होल्ड करा है। तो यहाँ पर अभी फंसने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल कहूंगा यहाँ पर कॉशियस होना। ओके, ऐसे स्टॉक्स को डंप करते हैं तो अच्छे खासे डंप करते हैं, क्यों? क्योंकि बीच में ट्रेडिंग हो रही है और ट्रेडिंग होने पर लोग को नीचे ले जाया जा रहा है, कभी ऊपर ले जाया जा रहा है, तो बहुत फंस सकते हैं, यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए। अब बात करते हैं सीधे निफ्टी 50 के व्यू से रिलेटेड। निफ्टी 50 आज के दिन में आज हम देखेंगे तो अच्छे खासे यहाँ पर ये गिरता हुआ नजर आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 219 पॉइंट्स की यहाँ पर बेहतरीन यहाँ पर गिरावट है, बट कहना वही है हमेशा की तरह, मैं हमेशा जो भी हमारे फॉलोअर्स है और जो भी हमारे फॉलो करने आज से शुरू किया है, देखिए गिरावट होती रहती है। यहाँ पर देखिए आज इस टाइम यहाँ पर 8% गिरावट हुई, इससे पहले यहाँ पर 11% की गिरावट हुई, और भी यहाँ पर नीचे यहाँ पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा ऐसी गिरावट देखिए यहाँ पर भी होती हुई नजर आई है। तो काफी बार यहाँ पर गिरावट हुई है, यहाँ पर देखिए ये 7% की गिरावट थी, इससे पहले ये 7% की गिरावट थी, यहाँ पर देखिए 8% की गिरावट, तो ये गिरावट होती हुई आई है, तो ये होती रहेगी। ओके, और यहाँ पर मार्केट बहुत भाग लिया है तो यहाँ पर बहुत कम स्टॉक्स ही यहाँ पर चलते हुए दिखाई देंगे, और यहाँ पर आपको कॉशियस होके अच्छे खासे यहाँ पर ट्रेड करना है। यहाँ पर जब ऊपर जा रहा है तो आपको बेचना भी है और नीचे आए तो यहाँ पर आपको खरीदना भी है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका एक स्विंग ट्रेड में अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। ऐसा ही एक स्टॉक्स हम यहाँ पर आपको बताते हुए नजर आएंगे, बट यहाँ पर स्मॉल कैप और मिड कैप के रिलेटेड भी, सॉरी यहाँ पर कुछ लेवल्स भी देख लेते, बेहतरीन लेवल यहाँ पर नजर आता है। बट यहाँ पर अगर देखें डो जोन्स अभी तक यहाँ पर गिरावट दिखाई दे रही है, लगभग 258 पॉइंट्स की यहाँ पर गिरावट है। यहाँ पर देखिएगा सुबह जब आप उठेंगे या फिर रात को तक अगर जागे रहेंगे तो यहाँ पर क्या करवट लेता है, किस ओर ये जाता है, तो उसके हिसाब से ही यहाँ पर कल की डेट में क्या हो पाएगा वो आपको पता चलेगी। यहाँ पर आज के दिन लगभग 1600 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर FIIs ने बेचा है। DIIs की बात करें तो DIIs ने भी यहाँ पर आज के दिन बेचते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें निफ्टी 50 तो एक सपोर्ट नजर आता है, बट अगेन यहाँ पर ये जो सपोर्ट है यहाँ पर नजर अच्छा सपोर्ट नहीं है। अच्छे सपोर्ट यहाँ पर कहाँ पर नजर आता है, जो यहाँ पर इसने 16,841 तो यहाँ पर बेहतरीन सपोर्ट यही है, इससे पहले यहाँ पर कोई सपोर्ट नजर नहीं आता और फिर दूसरा सपोर्ट यहाँ पर नजर आता है। अगर गिरावट हुई तो यहाँ तक गिर सकता है अगेन और फिर उसके बाद चीजें भागती हुई नजर आएगी, तो आपको अच्छी तरीके से चीज लेनी है। बट मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि यहाँ पर एक कप विद हैंडल चार्ट पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर देखिए एक कप और कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, और जब भी इस तरीके से यहाँ पर कप विद हैंडल पैटर्न बनता है तो याद रखिए उसके टारगेट अचीव होते हैं सूनर और लेटर। और ये जो टारगेट नजर आ रहे हैं वो टारगेट कितने आ रहे हैं, वो यहाँ पर 20,000 के लेवल को लेता हुआ जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि 20,000 से ज्यादा यहाँ पर निफ्टी जाती हुई दिखाई दे रही है। और सेम एज इट इज यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर
निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप ये सारे की सारे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए 20,500 के आसपास का लेवल यहाँ पर साफ नजर आता है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। वॉलिटिलिटी रहेगी पूरा यहाँ पर 3-4 महीने तो एटलीस्ट रहेगी, और उसके बाद जब जाएगी चीजें निकलेगी सब कुछ यहाँ पर शॉर्ट आउट होता हुआ नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर टेम्परिंग वगैरह जो होनी थी वो हो जाएगी एक बार, तो यहाँ पर चीजें दोबारा निकलती हुई नजर आएगी। तो एक आध महीना प्रेशर वाला रहेगा। सेम निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में भी है, यहाँ पर रैली आती रहेगी, अच्छे नंबर आ रहे हैं, काफी बेहतरीन कंपनियों के बेहतरीन नंबर आ रहे हैं, थोड़ी बहुत कंपनी के बेकार भी आ रहे हैं, बट जो बेहतरीन कंपनी है लिखिए नोट करिए तो अच्छा खासा पैसा बनेगा। बट आज की डेट की वीडियो यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड है, उस स्टॉक्स का नाम क्या है उससे रिलेटेड हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड जिसका नाम है नेटवर्क 18। नेटवर्क 18 सबसे पहले डिस्क्लेमर, ऑलरेडी मैं इन्वेस्टेड हूँ। ओके तो यहाँ पर अगर हम देखें नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट इज इंगेज इन द एक्टिविटीज स्पैनिंग अक्रॉस डिजिटल कंटेंट एंड प्रिंट एंड एलाइड बिजनेस। यहाँ पर आप गूगल पे जाएंगे और यहाँ पर डालेंगे ना नेटवर्क 18, यहाँ पर आप डालेंगे नेटवर्क 18 विकिपीडिया, तो यहाँ पर आपको चीजें समझ में आ जाएगी क्या है। देखिए यहाँ पर चल जाइए तो यहाँ पर आपको पता चलेगा एक बहुत बेहतरीन बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके यहाँ पर अगर हम बात करें पेरेंट कंपनी, तो पेरेंट कंपनी यहाँ पर नजर आती है रिलायंस इंडस्ट्री। तो रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनकी पेरेंट कंपनी है और इसके अंडर सब्सिडीज की बात करें तो टीवी 18 जो हमने अभी अभी आपको स्टॉक से रिलेटेड बताया था कि टीवी 18 हमने यहाँ पर आपको नीचे के लेवल पे खरीदवाया था और आज के दिन में 26% के हमें यहाँ पर रिटर्न मिलते हुए नजर आया, एक अच्छी खासी रैली। और ये रैली यहाँ पर स्टॉप नहीं हो रही, अगर किसी कोई 6 महीने यहाँ पर वेट कर लेता है तो यहाँ पर ये डबल का टारगेट मेरा यहाँ पर आपके लिए नजर आता है, बट थोड़ा सा नीचे आ जाए तो यहाँ पर बेहतरीन रहेगा। बट हम बात कर रहे हैं नेटवर्क 18, तो नेटवर्क 18 इससे बड़ी कंपनी है, पेरेंट कंपनी है। तो यहाँ पर नेटवर्क 18 करती क्या है, तो यहाँ पर आपको पता ही है मीडिया से रिलेटेड यहाँ पर काम करता हुए दिखाई देते हैं, जो भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह आती है वहां से पैसा आता है। तो यहाँ पर मार्केट कैपिटल की बात करें स्मॉल कैप कंपनी अगेन, तो स्मॉल कैप में गिरावट और भागेगा भी तेजी और गिरावट भी तेज होगी। पी की बात करें 50 के पी पे आरओसी आरओई यहाँ पर देख सकते हैं, 19 का आरओसी है काफी बेहतरीन है, बट आरओई थोड़ी कम नजर आती है। डेट की बात करें कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पर डेट नजर आता है, बट शेयर यहाँ पर 115 से 87 पे चल रहा है, अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी यहाँ पर इस पर्टिकुलर शेयर में हो चुकी है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो देख सकते हैं कभी ये शेयर कितने रुपए का हुआ करता था, कभी ये शेयर 700-800 रुपए के आसपास ये यहाँ पर हुआ करता था, 550 के आसपास, और यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। क्या यहाँ पर दोबारा जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, क्यों जा सकता है यहाँ पर इसके नंबर बता रहे हैं कि इसलिए जा सकता है, कंसोलिडेट नंबर है। सेल्स देखेंगे, सेल्स यहाँ पर कंटिन्यू बेसिस पे यहाँ पर बढ़ रही थी, बट यहाँ पर पैंडमिक आया, पैंडमिक में आपको पता ही है कौन एडवर्टाइजमेंट कराएगा, तो यहाँ पर ये बिल्कुल इनके रेवेन्यू कम हो गए। बट जैसे ही यहाँ पर सब कुछ लॉकडाउन सब वगैरह सब चीज खत्म होती है नजर आई, इंडिया ओपन होता हुआ नजर आया, अगेन कंपनी ने रफ्तार पकड़ी और इस बार की जो सेल्स थी वो हाइएस्ट एवर यहाँ पर सेल्स थी। इसके अलावा में हम बात करें यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर 23% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली बेसिस पे यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसी के बेसिस पे काफी अच्छे नंबर भी होने के बावजूद काफी कंपनी अगर ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छे नहीं होते हैं तो यहाँ पर गिरती हुई नजर आती है, बट ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छे हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयरली क्वार्टरली बेस पे हाईएस्ट एवर है, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख सकते हैं 97 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली बेसिस पे हाईएस्ट एवर है, और जो और ईपीएस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जब ये सारी चीज और कंपनी घाटे से प्रॉफिट में चल रही है और पिछले 4-5 क्वार्टर से लगातार प्रॉफिट है, तो ये चीजें बताती है कि कंपनी इज डूइंग वेल, और जब कंपनी इज डूइंग वेल तो ऑब्वियसली बात है शेयर यहाँ पर नीचे नहीं रहना। सेल्स देखें ईयरली बेसिस पे, तो ईयरली बेसिस पे यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी खासी सेल्स बढ़ रही थी 2015 तक, उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट आई, ओके, और फिर यहाँ पर एक साइडवेज जोन में चला, दोबारा शेयर यहाँ पर भागना शुरू कर दिया और हाईएस्ट एवर यहाँ पर सेल्स आनी शुरू हो गई है कंपनी की पिछले 12 महीने में। नेट प्रॉफिट की बात करें जो कि लगातार यहाँ पर घाटा दिखा रहा था, यहाँ देख सकते हैं लगातार घाटा था 2021 में, जो कि पैंडमिक में होने के बावजूद यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर इनकी सेल्स हुई, जो कि प्रॉफिट हुआ नेट प्रॉफिट 32, और पूरे 12 महीने की बात करें तो 185 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट है, जो कि यहाँ पर हाईएस्ट एवर यहाँ पर दिखाता है अपने आप को। बोरिंग की बात करें तो कंपनी की बोरिंग देख सकते हैं 74 रिजर्व्स देख लीजिए, रिजर्व्स थोड़े से कम होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि पहले ज्यादा रिजर्व्स थे, अभी कम हो रहे हैं, 74 करोड़ के आसपास के ही रिजर्व्स है। बोरिंग की बात करें, बोरिंग कंपनी के पास यहाँ पर 3,000 करोड़ के आसपास की बोरिंग थी 3,200 करोड़ की, जो कि अभी लगभग लगभग एक साल के अंदर अंदर 1.5 साल के अंदर अंदर इन्होंने यहाँ पर अच्छी खासी बोरिंग कम कर दी और 2,200 करोड़ रुपए के आसपास की यहाँ पर बोरिंग रह गई है। एक बोरिंग ही यहाँ पर चिंता का विषय है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब इंटरेस्ट देना पड़ता है एक अच्छा
अच्छा खासा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और इसी की वजह से इनका प्रॉफिट का मार्जिन कम हो जाता है। बट यहाँ पर कंपनी ने बोरिंग धीरे धीरे यहाँ पर कम पे यहाँ पर पे करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, और यहाँ पर जब भी बोरिंग पे करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है प्रॉफिट अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट 802 करोड़ का, कैश की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 195 करोड़ का यहाँ पर कैश भी यहाँ पर नजर आता है। और यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स की बात करें और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ इस बार का जो कैश फ्लो है वो भी यहाँ पर पॉजिटिव नजर आता है। आरओसी अच्छा खासा यहाँ पर बढ़ गया, लगभग 20% का आरओसी हो गया नेगेटिव से। प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% है एज इट इज, जो कि यहाँ पर कौन है तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे के सारे इनके इंडिपेंडेंट। और रिलायंस की बात करें तो रिलायंस के पास यहाँ पर नहीं दिखा रहा बट यहाँ पर होगा, यही मीडिया क्या मीडिया होगी। एफआईएस की बात करें, एफआईएस ने यहाँ पर हिस्सेदारी लगातार बढ़ाई है, यहाँ पर देख सकते हैं 3 से धीरे धीरे करके लगभग 5% के आसपास पहुंच गए। डीआईएस भी धीरे धीरे हम यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। और पब्लिक की बात करें, पब्लिक के हाथों से यहाँ पर हिस्सेदारी धीरे धीरे जा रही है। पहले यहाँ पर बेच रहे थे तो यहाँ पर रिपब्लिक खरीदती थी बट यहाँ पर अब जब शेयर अच्छा होता जा रहा है तो धीरे धीरे यहाँ पर बड़े बड़े लोग यहाँ पर खरीदना शुरू कर दिया। तो 20% की हिस्सेदारी पब्लिक की है और 20 में से भी यहाँ पर 7-8% की हिस्सेदारी निकाल देंगे तो थोड़ी बहुत हिस्सेदारी ही यहाँ पर नजर आती है पब्लिक के पास और उसमें से भी बड़े लोगों के पास यहाँ पर हिस्सेदारी होगी। आज की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आज की थोड़ी सा वीडियो लंबा हो सकता है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड बातें करनी थी और एक वीडियो और कोशिश करूंगा बनाने की तो उससे रिलेटेड भी हम बातें करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 14 रुपए का यहाँ पर हाईएस्ट है, यहाँ पर दिसंबर में शेयर था उसके बाद गिरता हुआ नजर आया। फाइनेंशियल रिजल्ट अभी फिलहाल में आए थे और मैंने आपको दिखाई दिए कि किस तरीके के बेहतरीन यहाँ पर रिजल्ट थे। 75% के शेयर प्रमोटर्स के पास है, कोई भी शेयर गिर भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके चार्ट की। चार्ट की अगर हम बात करते हैं नेटवर्क 18, हम यहाँ पर इसका चार्ट निकाल देते हैं। तो नेटवर्क 18 मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टीवी 18 का है, वीडियो बना रखी है, मिलेगा तो आई बटन पर दे दूंगा, अदरवाइज हमारे वीडियो में जाना तो टीवी 18 लिखना, इन्वेस्ट फॉरएवर लिखना तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखे सॉरी, तो एक कंसोलिडेशन अक्टूबर से लेके अभी तक एक कंसोलिडेशन फेज में ये शेयर रहा है। ओके, इसे कंसोलिडेशन ही कहेंगे। यहाँ पर भागा था फिर इसके बाद नीचे आता हुआ दिखाई दिया, एक गिरावट हुई, अच्छी खासी गिरावट हुई और यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी थी और शेयर फिर दोबारा क्योंकि रिजल्ट आए थे, रिजल्ट के बाद यहाँ पर गिरावट हुई और यहाँ से बड़े बड़े लोगों ने माल भरा, माल भर के पहले गिराया माल भरा और फिर ऊपर ले जा रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पर देखिए धीरे 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 आज भी 2% यहाँ पर है और एक लगभग 20 लाख 21 लाख शेयर यहाँ पर डेली बेसिस पे ट्रेड हो रहे हैं, यहाँ पर खरीदे जा रहे हैं बेचे जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखे इस पर्टिकुलर शेयर में तो यहाँ पर अच्छी खासी मुझे जब ये रिजल्ट नजर आते हैं सामने तो मुझे नजर आता है यहाँ पर प्रॉफिट और अच्छा खासा प्रॉफिट नजर आता है। क्यों? क्योंकि शेयर यहाँ पर जब कंपनी काफी टाइम बाद यहाँ पर प्रॉफिट में आई है ईयरली बेसिस पे और पिछले 4-5 क्वार्टर से लगातार प्रॉफिट दे रही है तो मतलब कंपनी इज डूइंग वेरी गुड। और अगर हम यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर से भी आप शेयर को यहाँ पर बाइंग करते हैं 50 डीएमए के आसपास आ गया है और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 30% का प्रॉफिट यहाँ पर होता हुआ हम मुझे साफ नजर आता है। थोड़ा बहुत शेयर की गिरावट की अगर बात करें, मार्केट गिरता है तो इस शेयर पे भी यहाँ पर बर्डन आता हुआ दिखाई देगा। ओके, ये शेयर भी यहाँ पर परेशान होता हुआ दिखाई देगा तो यहाँ पर गिरावट होगी तो 78 रुपीज तक नीचे आ सकता है। तो गिरावट के लिए इतनी गिरावट के लिए प्रिपेयर भी रहना और अच्छा लेवल यहाँ पर 70 रुपए का है तो 17 रुपीज मैक्सिमम यहाँ पर गिरावट है बट यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर है। तो बाय ऑन डिप्स करनी है सबसे पहले और शेयर को यहाँ पर भी खरीदते हैं तो अगर नीचे आता है तो यहाँ फिर बाइंग करनी है और यहाँ पर एक एवरेज आएगा और जब चीजें ऊपर निकलेगी अगले 3 महीने के अंदर अंदर ये टारगेट अचीव होता हुआ साफ नजर आता है और आज के आसपास भी आए तो यहाँ पर निकल सकते हैं तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। बट चीजें यहाँ पर रुकने नहीं वाली, चीजें यहाँ पर बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अब उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर इसे थोड़ा सा यहाँ पर छोटा करते हैं तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये शेयर यहाँ पर कभी कितने रुपए का हुआ करता था तो ये शेयर कभी यहाँ पर और भी बहुत ज्यादा जब मैंने बात करी है 560-570 रुपए के आसपास ये शेयर हुआ करता था और यहाँ तक मुझे जाता हुआ साफ दिखाई दे रहा है जो इसका प्रीवियस लेवल है ना इस रिजल्ट के बाद 166 रुपए के आसपास। तो यहाँ पर मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि एक कर्व बना रहा है यहाँ पर। अगर मैं इसे वीकली बेसिस पे अगर यहाँ पर लाते तो यहाँ पर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर एक कर्व बनाता हुआ नजर आ रहा है और जब ऐसी चीजें निकलती है ना तो धीरे 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 कर्व बना के मतलब राउंडिंग बॉटम बना के चीजें निकलती हुई नजर आ रही है और राउंडिंग बॉटम जब बनेगा तो एक अच्छे खासा यहाँ पर रिटर्न्स बनते हुए नजर आएगा। तो इस तरीके से जाता हुआ मुझे साफ नजर आ रहा है जिसके अगर यहाँ से मैं खरीदता हूँ और थोड़ा सा टाइम देता हूँ, 1 साल का टाइम देता हूँ ना तो 1 साल में ये शेयर यहाँ पर आपको पैसे को लगभग 84% का यहाँ पर प्रॉफिट देता हुआ नजर आ रहा है। बट इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि चीजें जब आप लेंगे शायद नीचे आ जाए
और यहाँ पर घूमते घूमते फिर ऊपर की तरफ यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे। और यहाँ पर अगर हम बात करें चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पर चार्ट पैटर्न यही नजर आता है कि सीधे सीधे यहाँ पर ये शेयर 84% का यहाँ पर गेन दे सकता है। थोड़ा सा वेट करना है। और यहाँ पर अगर आप RSI भी देखेंगे, सॉरी अगर आप यहाँ पर RSI भी देखेंगे, तो आपको चीजें समझ में आएगी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है, और लगभग 59 के RSI पे ज्यादा ना शेयर यहाँ पर भागता हुआ ज्यादा दिखाई दे रहा है, ना ही ओवरबॉट जोन में दिखाई दे रहा है। नॉर्मल चल रहा है शेयर, अच्छा खासा चल रहा है। और वॉल्यूम यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो हाईएस्ट एवर वॉल्यूम्स आए, ऐसे वॉल्यूम्स कभी नहीं थे। पहले हुआ कि यहाँ पर वॉल्यूम थे, तो उसके बाद चीजें यहाँ पर ऊपर गई थी, यहाँ पर वॉल्यूम थे जब, ओके अगेन यहाँ पर अच्छे खासे वॉल्यूम आ रहे हैं, और जब वॉल्यूम आ रहे हैं तो चीजें ऊपर निकलेगी। तो यहीं पर ही क्लोज करते हैं वीडियो को, वरना लंबा और ज्यादा हो जाएगा, बहुत सारी चीजें और भी बताने के लिए। बट यहाँ पर थोड़ा टाइम देंगे तो इस लेवल तक ये शेयर आता हुआ मुझे साफ दिखाई दे रहा है। तो बाइंग सेलिंग की कोई यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और के नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, एज वेल एज यहाँ पर ये पर्टिकुलर नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।